नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभा कपिल और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल क्रेजी कुकिंग विद अनुभा में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मेरे और मेरे परिवार की ओर से आप सभी को गणेशोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन। और फ्रेंड्स, इसी अवसर पर आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इंस्टेंट मोदक की रेसिपी। और फ्रेंड्स, ये जो मोदक है केवल 2 इंग्रेडिएंट से हम बनाएंगे और मिनटों में झटपट तैयार होने वाले ये मोदक हैं। बहुत जल्दी से बनेंगे, बहुत डिलीशियस बनेंगे। यदि आपको वीडियो जैसी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यदि आपको मेरे चैनल के कंटेंट्स पसंद आते हैं तो, और प्लीज़ एक बार इनको ट्राई करके जरूर दिखेगा और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है डेसिकेटेड कोकोनट और ये लिया है मैंने 1 कप। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा बना सकते हैं, मैं जो अनुपात से बना रही हूँ मैं आपको वो बता देती हूँ मेजरमेंट। तो मैंने 1 कप लिया है कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट, और आधा कप लिया है कंडेंस्ड मिल्क। और फ्रेंड्स, ये जो कंडेंस्ड मिल्क है, यदि आपको कलर थोड़ा चेंज लग रहा हो तो मैं आपको बता दूँ ये मेरा होममेड कंडेंस्ड मिल्क है। इसकी रेसिपी यदि आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर अवेलेबल है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक शेयर कर दूँगी। तो ये आधा कप कंडेंस्ड मिल्क और ये 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट, इसको हम बनाएंगे नॉनस्टिक पैन में। तो इस पैन को ले चलते हैं गैस स्टोव की ओर। तो फ्रेंड्स, पैन खोल दिया मैंने गैस स्टोव पर और फ्लेम कर दिया मैंने बिल्कुल लो टू मीडियम, और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको बस थोड़ा सा सिर्फ 1-2 मिनट के लिए इसको हम रोस्ट करेंगे, ड्राई रोस्ट करेंगे। आप चाहें तो इसमें कुछ बूंदे घी की डाल सकते हैं, देसी घी की डालिए यदि आप डालना चाहें तो, और यदि आप नहीं डालेंगे तो भी कोई बात नहीं है, वैसे भी नॉनस्टिक पैन है ये। तो उसको बस थोड़ा सा हल्का सा हम इसको भून लेंगे बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो लीजिए फ्रेंड्स, 1 से 2 मिनट ही लगे इसको रोस्ट करने में, और इसको कलर वगैरह कोई चेंज वेंज नहीं करना है, हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा रोस्ट करना है ताकि इसका थोड़ा जो रोनेसेस की वो चली जाए, जो कच्चापन है वो निकल जाए थोड़ा सा। तो अभी भुन चुका है हल्का सा, अब हम इसे मिलाएंगे कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क मैंने बताया आपको इसमें लगभग आधा कप इसमें कंडेंस्ड मिल्क मिल जाएगा। तो इसमें धीरे धीरे करके कंडेंस में, अब मैंने गैस स्टोव अभी बंद कर दिए क्योंकि ये बहुत हल्का होता है, बहुत जल्दी कभी लग ना जाए पैन में, जल ना जाए। तो ये लीजिए, मैं इसमें मिला देती हूँ कंडेंस्ड मिल्क। तो लीजिए कंडेंस्ड मिल्क मैंने इसमें डाल लिया है, अब बस हमें इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से, ये अच्छे से बाइंड हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसमें कोई एसेंसीज डालना चाहें तो वो एसेंस, या तो फिर इलायची पाउडर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और हम फ्लेम रखेंगे वो लो टू मीडियम, हाई फ्लेम नहीं रखेंगे। और फ्रेंड्स, यदि आप चाहें तो इसमें कलर भी मिला सकते हैं, मैं बिल्कुल सिंपल सोबर सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसका तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, आप जो चाहें वो भी मिला सकते हैं, इसके अंदर कलर मिला सकते हैं, एसेंस मिला सकते हैं। तो लेकिन मैं ये फ़िलहाल कुछ नहीं मिला रही हूँ, आप चाहें तो इसमें मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं जो बना रही हूँ मैं आपको बताऊँगी। बस इसको भी अच्छे से हमें बाइंड करने तक ही चलाना है ताकि इसकी कंसिस्टेंसी बाइंडिंग वाली कंसिस्टेंसी आ जाए। एक बार आप चाहें तो इसमें मीठा भी चेक कर सकते हैं, यदि आपको मीठा थोड़ा कम लगे तो कंडेंस्ड मिल्क और मिला सकते हैं। तो चलिए फिलहाल इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ, बाइंड कर लेती हूँ एक साथ। तो फ्रेंड्स, मैंने इस पैन को उतार लिया गैस स्टोव से नीचे, क्योंकि इसमें और भूनना वूनना तो है नहीं, फिर ज़्यादा भूनेंगे तो इसका कलर चेंज जाएगा और या तो फिर ये काफ़ी हार्ड हो जाएगा। तो इसको मैंने गैस स्टोव से नीचे उतार लिया, जो इसको मिक्स करना है मैं नीचे उतारूंगी, नीचे मिक्स करूंगी। आप देख सकते हैं मेरे पास रखे हैं मोदक के मोल्ड, बहुत सारे तरह के मोल्ड, बहुत सारे शेप में, बहुत सारे कलर डिज़ाइन में, बहुत सारे साइज़ में, मार्केट में ईजिली अवेलेबल हैं, आप इसे कहीं से भी ले सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन हर जगह मिल जाते हैं। ऑनलाइन लेने की जरूरत नहीं, तो मार्केट में बड़े आराम से अवेलेबल हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँ, सब शुरू शुरू में जब मुझे नए मोल्ड मिलते थे तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी, इसके बिना मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे ये, अब तो बड़े आराम से ये सभी मार्केट में अवेलेबल है। तो चलिए खैर, ये मेरा एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर हो गया छोटा सा। अब क्या करना है, हमने इस मोल्ड को पहले से ग्रीस किया हुआ है हल्का सा, तेल घी लगा लीजिए, घी लगा के मैंने इसको ग्रीस कर लिया, और अब हम इसमें जो मिक्सचर है इसको इसमें फिल करेंगे। तो इसको हम इसमें कर लेते हैं फिल अच्छे से, हाथ से भी कर सकते हैं, स्पून से भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको इजी लगे आप इसको अच्छे से फिल कर लीजिए, जितना एक्स्ट्रा हुआ एक्स्ट्रा बाहर आ जाएगा ये। इसको अच्छे से दबा देंगे हम, प्रेस कर देंगे ताकि अच्छे से इसके अंदर जो कैविटी ना रहे। तो लीजिए उसको खोल के देख लेते हैं, ये हो चुका है रेडी, ये बन गया है हमारा प्यारा सा मोदक। मोल्ड से क्या होता है, बड़े आराम से बन जाता है, जो काम 10 मिनट में होना होता है वो 5 मिनट में जाता है, मिनटों में होता है। तो अब इस बार मैं यार मोल्ड लेती हूँ, इसको हम वैसे तरीका ये है, अच्छा बंद कर लीजिए इसको और इसमें इस तरह से डालकर फिल कर लीजिए अच्छे से फिल करके कर दीजिए अच्छे से प्रेस। बहुत ही ईजी है, झटपट बनने वाली रेसिपी, जैसे कि मैंने आपको बताया 5 मिनट भी नहीं लगते इसको बनाने में।
तो लीजिए इसको भी हम खोल लेते हैं और देखिए मोदक बनकर होता है तैयार। तो ऐसे छोटे बड़े आप कितने भी साइज़ के मोदक बना सकते हैं। आप चाहें तो फ्रेंड्स इनको गार्निश करने के लिए ऊपर से डेसिकेटेड कोकोनट होता है, इसको ऊपर से आप इसे बुरक सकते हैं, मतलब ऊपर से ऐसे डस्ट कर सकते हैं डेसिकेटेड कोकोनट से। आप चाहें तो, मैं नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल सिंपल सोबर सी रेसिपी आपके साथ शेयर की हूँ, बिगनर के लिए भी बहुत आसान है, कोई भी बिगनर इसको बड़े आराम से बना सकते हैं। तो चलिए मैं बना लेती हूँ ये सारे मोदक इसी तरह से। तो लीजिए फ्रेंड्स ये इंस्टेंट मोदक इंस्टेंटली बनकर तैयार हो गया, आपको विश्वास नहीं होगा 5 मिनट भी नहीं लगे इनको बनाने में। एक तो मैंने क्वांटिटी थोड़ी कम बनाई है क्योंकि अभी समझ लीजिए कि 10 दिन तक चलेगा ये हमारा जो गणेश उत्सव है, तो मैं तब तक आपको बहुत सारे तरह के मोदक सिखाने वाली हूँ। तो एक तरह समझ लीजिए सीरीज स्टार्ट हो गई है मोदक की। तो आज मैंने बहुत सिंपल से सबसे आसान विधि आपके साथ शेयर की जो बिगनर्स भी बना सकते हैं इसको, और ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। कल मैं एक और मोदक की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, परसों दूसरी, यानी कि मोदक की कई तरह की आपके लिए मैं मोदक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद मी, आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपको मेरे चैनल के कंटेंट्स पसंद आते हैं, तो वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक दीजिएगा प्लीज़। तो फ्रेंड्स जल्दी से नए मोदक की रेसिपी लाती हूँ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माय वीडियोज़, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।